यहाँ पर मैं दिखाने लगी हूँ आपको 28 फेब की रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर फाइनली हमने पैकिंग स्टार्ट की है. सदा भाभी ने और शैला दी ने मिलकर मुझे हेल्प किया है. काफ़ी देर से हम लोग इसको प्रोकास्टिनेट भी कर रहे थे, समहाउ चीज़ें भी नहीं इकट्ठी कर पा रहे थे, प्लान आउट नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना. सो फाइनली मैंने कार्गो वाले को उसी दिन घर पर बुलाया था और उसको दिखाना था सामान, तो इसलिए फिर हमने स्टार्ट की थी पैकिंग विद बबल रैप. अखबार नहीं मिल पाए थे तो एक शीट मिलती है, रफ सी शीट होती है, मोर और लेस लाइक अखबार, तो वो ली थी हमने शीट और बबल रैप में रैप करके, और हमने बॉक्सेस के साइड पे थर्मोकॉल लगाकर तो उसके अंदर ये सारा कुछ पैक किया था. हम एक दफ़ा पैक कर चुके थे, फिर शैला दी आई और उन्होंने आके कहा कि आप टू मच पैकिंग कर रहे हो, टू मच मटेरियल लगा रहे हो एक तो, और दूसरी बात ये कि आप इस तरह से तो मतलब एक बॉक्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं आ पाएंगी. देन शी टुक आउट ऑल द थिंग्स एंड देन यू नो शी री रैप द थिंग्स एंड उसके बाद उन्होंने उसको फिर दोबारा से रखा और सेटिंग की. सो यहाँ पर मैं आपको वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए लगी हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम मज़ीद क्या करेंगे. I good. बबल शीट में रैप कैसे होंगे ये? लो जी हम बता दें कि यहाँ पे चल क्या रहा है. बेसिकली मैं अपना डिनर सेट साथ लेके जाना चाह रही हूँ और मैंने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी दुकानदार उसको रैप करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज सबके पास अपने अपने डिनर सेट की पैकिंग होती है. तो बेसिकली हमने क्या किया है, तो हमने बबल रैप्स मंगवाई हैं, अखबार मंगवाई हैं, कार्टन्स मंगवाई हैं और थर्मोकोल शीट मंगवाई है. खाने लगे हैं. अगर आपने अपनी पैकिंग बुकिंग करानी हो हाँ जी तो आप रابطہ कर सकते हैं मिसेज मैं परवेज मिसेज मैं पर ये देख सकते हैं पैकिंग, अगर आपको ये दिख रही हो इतना की सिक्योर पैकिंग. और अगर ये पूरी साबत पहुंच गई फिर मैं ज़्यादा प्रमोट करूँगी. ना जी हमारा फुटबॉल रेडी है. हाँ. अब हम इसको गिरा के टेस्टिंग करने का सोच रहे हैं. हमने गिरा के टेस्टिंग नहीं की, हमने सिर्फ ठाठा करके टेस्टिंग की है. अच्छा जी सो फार हमारा टी सेट पूरा हो चुका है, मतलब हमारा पूरा टी सेट डन है. ये हमने पूरी बेडिंग की है, ये मैंने थोड़ी सी तोड़ दी थी मैं हल्कू. तो अभी फिलहाल हम डन हो चुके हैं, ये हमने बाकी का बखेरा रखा हुआ है. सो बाकी की पैकिंग हम करेंगे अभी शाम को. ओह लो जी यहाँ पर डे टू हमारी पैकिंग चल रही है. ये हम इतनी बड़ी थर्मोकोल शीट लेकर आए हैं, ये हमारे पास कार्टन्स पड़े हुए हैं, एक कार्टन को हम कर चुके हैं पैक, बबल रैप्स बना रहे हैं. ये मेरा विक्टोरियन सेट है जिसका मैंने इतना रोला डाला हुआ था, ये जब मैं निकाल के सेट करूँगी अगर ये साबित पहुँचा तो फिर बाकी का मैं दिखाऊँगी, यहाँ भी साथ साथ दिखा भी दूँगी. यहाँ पर ये स्ट्रिप्स कट रही हैं, इनकी अंदर पैकिंग होगी. ये मेरी पीढ़ी है जिसके ऊपर अभी मैं बैठूँगी और बैठ के मैं टेपे काट के दूँगी. ये मेरी शक्ल आ चुकी है, मैं पीढ़ी पे बैठ चुकी हूँ, टेपे काटने के रोल पे लग चुकी हूँ, कुर्सी दे करनी, इस कुर्सी के साथ ही टेपे लगानी है. अच्छा जी लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज कार्गो वाले को बुलाया हुआ है, उसको मैं अपना सारा सामान दिखाऊंगी तो फिर उससे सारी डीलिंग वगैरह होगी. ऐसा कर दो ना, ये भी नहीं लेगा. आप पैकिंग का तरीका देख सकती हैं. हमने बबल शीट के साथ इसको पहले टेप कर दिया. मेरा बच्चा आ गया. लो जी हमारा एक और एक्सपर्ट पैकिंग आ चुका है. ये हमारी पैकिंग चल रही है, हमारी सेटिंग भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है. कार्टन थोड़ा और बड़ा हो सकता था लेकिन चलो सम हम इसी में मैनेज करने की कोशिश करते हैं. देखो वाकई ऐसे लग रहा ना कि मेरी वाकई वो हो रही है विदाई, कि पैकिंग बुकिंग भी चल रही है. हाय स्टीवी काका, मैंने ना भैया के साथ ये वाले काम बहुत किए हुए हैं, भैया को स्टोकरी में भी बिठा कर मैंने काम किए हुए हैं. तो देखते ये हमारा काम चल रहा है और ये हमारे बच्चों को हमने कैद किया हुआ है. एक बच्चा सो चुका है. ये हमारे कमरे की हालत है. हेलो गाइस कर दे. हेलो हेलो गाइस हाउ आर यू, इधर आओ. दो ही तो बहुत अच्छा बच्चे. और ये हमारी बाजी, हमें टेप वाली बाजी है हमारी. टेप वाली बाजी.
अच्छा जी, फाइनली मैंने डिसाइड यही किया था कि पैकिंग के बाद, मतलब मैं बताया था इस व्लॉग के अंदर भी बताया कि आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि मैं किस तरह से चीज़ें मैनेज करूँगी, कि किस दिन घर जाऊँ किस दिन ना जाऊँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड यही किया था कि मैं उसी दिन पैकिंग करके कार्गो वाले से मिल के तो आई वेंट होम अम्मा की तरफ, और उधर से मैंने फेयरवेल अटेंड किया, उधर से ही मैंने अपना पार्लर वाला काम करवाया और मोना की मामा की तरफ गई और वहाँ सारा काम कर कर आकर थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करके तो आई वेंट बैक। सो दिस इज हाउ वी डू। और फाइनली जो मैं कह रही थी, मच वेटेड मेरा फेयरवेल मेरे ऑफिस की तरफ से, मेरे स्कूल की तरफ से, जो कि पोस्टपोन हो रहा था फॉर वेरी गुड लिजिट रीजंस। Finally, it's happening tomorrow. So, I am preparing myself for that. So, मेरा ये plan था बहुत देर पहले से कि मैं जाने से पहले अपनी colleague को और अपनी boss को कुछ thanksgiving के तौर पर देकर जाऊँ। सो मैंने ऑनलाइन एक साइट है जहाँ से मैं अपनी ज्वेलरी भी मंगवाती हूँ, उधर बड़ी अच्छी रिस्ट वॉचेस हैं, लेडीज़ रिस्ट वॉचेस हैं, इट्स ऑन अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, दे इवन डोंट इवन नो कि मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ इस तरह से, बट दे हैव सम गुड क्वालिटी ज्वेलरी ऑन अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। सो इफ़ यू वॉन्टेड टू हैव अ गुड लुक, सो यू कैन DM मी और कॉमेंट मी, आई विल टेल यू द नेम एंड साइट। सो उधर से मैंने अपनी ज्वेलरी मंगवाई, आई विल ऑल्सो टेल यू द प्राइस बिकॉज इट्स वेरी इकोनॉमिकल, यू कैन गिफ्ट समवन, सो आई विल शो यू। ओके जी, दीज आर द वॉचेस, एक ये मैंने मंगवाई है, एक ये, ऑलमोस्ट दोनों सेम प्राइस है। तो ये वॉचेस मैंने मंगवाई हैं, देन आई बॉट दीज वेरी ब्यूटिफुल कंटेनर्स फ्रॉम डॉलर शॉप, और अब मैं इनको एक बड़ी ब्यूटीफुल सी पैकिंग करने लगी बिकॉज इसकी पैकिंग बड़ी बोरिंग सी आई थी, सो आई डोंट वांट टू गिफ्ट इट दैट वे। प्लस ये मैंने रोहा से बनवाए हैं, रोहा एक सम वेरी गुड कैनवसेस, इफ़ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन, ऑल्दो वो बिजनेस नहीं करती है बट हाँ यू कैन आस्क हर, हम तो उसको चाहते हैं, हम उसको कहते हैं कि मेक दिस अ बिजनेस बिकॉज वो बहुत अच्छे कैनवसेज बनाती है। तो घर बिल्कुल सिंपल से थे और बहुत जल्दी जल्दी में से बनाए थे, बट दीज आर सम कैनवसेज जो उसने बनाए हैं। सो एक ये मेरी कलीग के लिए और एक ये मेरी बॉस के लिए है, ये ऐसे ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं इनको क्लिंग फिल्म करने लगी हूँ। एंड देन आई गॉट दिस वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट बैग्स, सो आई विल प्लेस दैट इन इट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, जब तक मैं अपनी ये चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ उसके बाद आई हैव टू डन माय नेल्स एज वेल, इनको कोई अच्छा सा पेंट करेंगे। सो मीनवाइल द अपडेट इज़, ओह वाओ आई गॉट द कैंची एज वेल। अच्छा, सो मीनवाइल द अपडेट इज़, मेरे कल शिपिंग वाले बंदे को बुलाया था घर पे और उसको सामान दिखाया था, उसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव। जैसे उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि बहुत बड़े कार्टन्स आपने नहीं बनाने हैं बिकॉज बाहर के मुल्क में 25 kg से ज़्यादा अलाउ नहीं करते किसी भी लिफ्ट मैन को, लिफ्टर जो भी होते हैं उनको उठाने के लिए। तो वो 25 kg से ज़्यादा अगर आपका सामान होगा तो वो नहीं उठाएंगे, वो कहेंगे कि हम एक लिफ्टर यूज़ करेंगे, एक मशीन यूज़ करेंगे और उसके वो फिर अलग से पाउंड चार्ज करेंगे, तो जो कि आपको कॉस्टली पड़ सकता है। सो इट्स बेटर कि आप जब कभी भी अपना सामान पैक कर रहे हैं शिपिंग कराने के लिए तो मेक श्योर कि वो 25 kg से कम का एक कंटेनर होना चाहिए। जितने मर्जी कंटेनर्स हो 25 kg के, लेकिन एक कंटेनर एट अ टाइम उठाने के लिए 25 kg से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए बिकॉज दे बिलीव कि इंसान इंसान होता है, उसे खोतों वाला काम नहीं कराना, सो विच इज़ अ गुड थिंग। तो मेरा जब हमने नापा जो हमने कल पैकिंग की थी तो वो ऑलमोस्ट 25 kg था, इसका मतलब कि मैं उसको मज़ीद स्टफ नहीं कर सकती थी। बट द गुड न्यूज़ इज़ उस बंदे ने मुझे बोला कि जो आप कार्टन्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ नीचे जाएगी कौन सी ऊपर जाएगी, तो ये एक अच्छी सिक्योर पैकिंग होगी, ये वाला काम हमारा रोज़ का है और ये हम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस कम्स अंडर आवर सर्विस। बट द थिंग इज़ कि जो उसके ऊपर मैंने लकड़ी की क्रेटिंग करवानी है, उसे क्रेटिंग बोलते हैं, वो जो लकड़ी का एक पूरा केज बनेगा टू सिक्योर माई क्रॉकरी, वो उनका कारपेंटर मुझे काफ़ी कॉस्टली बना के दे रहा है। नॉट श्योर अबाउट आर कारपेंटर वो कितने की बना के देता है, बहरहाल उनका कारपेंटर काफ़ी एक्सपेंसिव बना के दे रहा है।
तो वो बात हुई थी कि मैं खुद से बनवा लूँगी, तो उनको लगा था कि शायद मैंने कहा कि मैं ओवरऑल पैकिंग खुद से कर लूँगी, और मुझे भी थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी, बट द गुड थिंग इज़ कि वो पैकिंग कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ के वो फैसल टाउन में है, हम गुलशन रावी में हैं, तो इतनी दूर पहले मैं सामान को अपने नंगा भेजूँ पैकिंग कराने के लिए, उसके बाद क्रेटिंग वाले बंदे को वहाँ पर भेजा जाए और वो वहाँ पर जाके उसकी नाप लेकर आए, और फिर जब क्रेट बन जाए तो वो उसको वहाँ पे फिक्स करने भी जाए, विच इज़ अ वेरी कॉस्टली एंड वेरी लाइक लॉन्ग प्रोसीजर, पेनफुल हो जाएगा सबके लिए इस तरह से बाद में पिक एंड ड्रॉप देना। तो उसके लिए प्लान ये किया गया था कि अगर वो अपने दो बंदे घर भेजते हैं और वो हमारे घर आकर इनकी पैकिंग कर जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फॉर सम रीज़न की क्लिंग फिल्म चिपक नहीं रही है, लेट मी ट्राई सम अदर वे। अच्छा, तो लेकिन वो बंदा कह रहा था कि मेरे बंदे घर आके पैकिंग नहीं करते हैं, बट आई विल कन्विंस हिम कि अगर वो घर आके कर दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, कि मेरा वो सारा फेरा आगे पीछे वाला बैक एंड फ्रो वो बच जाएगा, बिकॉज आई लेफ्ट विद नो टाइम इन सब चीज़ों की एडिक के लिए। सो वो वाला अभी भी मेरा थोड़ा सा मैसेज चल रहा है, इट्स नॉट रिजॉल्व्ड येट, और सूटकेस मेरे बनने गए हुए हैं, आज घर पे बात नहीं हुई थी क्योंकि मैं अपनी अम्मा की तरफ अभी आई हुई हूँ, तो घर पर अभी बात हुई नहीं है, होगी तो पता चलेगा कि सूटकेस बन गए कि नहीं, जो कि होपफुली कल तक बन जाएंगे, तो बस फिर उनके अंदर पैकिंग वाला काम शुरू करना है। अब कल मैं जा रही हूँ लंच पर, इट्स अ हाई टी, जो मेरे कलीग्स, मेरे बॉस और मेरी टीम मेंबर्स ने मुझे दिया है, लेट्स सी वो कैसा रहता है। लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि मेरा बच्चा मेरा चार्जर, नया चार्जर तोड़ चुका है, और आई हैव टू बाय अ न्यू चार्जर नाउ, जो कि अभी आया नहीं है, जिनसे पहले मंगवाया था सोनू भाई से, उन्हीं को बोला है दोबारा से चार्जर ला के देने को। मीनवाइल मैं अपने बेटे की जो फ़ैन एक मंगवाया था मैंने गर्मियों में, उसका भी एंड्रॉयड था, तो मैं वो चार्जर इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चार्जिंग नहीं कर रहा। अभी मुझे पता है मैंने इसको किस तरह से सेट करके रखा हुआ है, एंड आई एम स्ट्रगलिंग सिंस मॉर्निंग, और मेरी चार्जिंग 14-15 से ज़्यादा की नहीं है, और अगर मुझे सुबह जाना भी है और सुबह की पूरी कवरेज भी चाहिए तो आई नीड माई मोबाइल टू बी फुली चार्ज्ड, ताकि मैं सुबह की पूरी प्रॉपर कवरेज कर सकूं। अभी परसों के लिए प्लान ये है कि आई हैव टू गो टू द पार्लर, एंड देन शाम में आई हैव टू गो टू मोनाज हाउस, मोना की मदर की तरफ फॉर डिनर, देन सैटरडे को अगेन शॉपिंग, संडे को अगेन डिनर। सो मेरे डिनर स्टार्ट हो चुके हैं, फेयरवेल डिनर्स तो वो चल रहा है। आज अपने ग्लासेस बनवाने के लिए देखकर आई हूँ, क्योंकि वो भी मेरा बच्चा बहुत तोड़ रहा है, सो एक नया फ्रेम, नॉट सो एक्सपेंसिव फ्रेम, बिकॉज फ़ायदा नहीं है बहुत एक्सपेंसिव फ्रेम्स का, मेरा बच्चा नहीं टिकने दे रहा उनको। ये वाला फिर टिक गया थोड़ा सा, इट्स जस्ट अ प्रोटेक्टेड लेयर, थोड़ा ग्लॉसी भी लग रहा है, जस्ट अ प्रोटेक्टेड लेयर, थोड़ी लंबी लेयर लगाने की कोशिश करती हूँ। सो दिस इज़ द प्लान, तो ये अब मैं कंप्लीट कर रही हूँ, बच्चे इस कमरे में अन्नी डाल रही हैं और इस कमरे में हम ये काम कर रहे हैं। सो दैट्स द लेटेस्ट अपडेट, एंग्जाइटी इज़ ऑन पीक, सुबह सुबह आँख खुल जाती है, नींद नहीं आती है, हंगर पैंग्स आ रहे हैं, मतलब आई एम गेटिंग एंशियस नाउ ऑन मैनी थिंग्स, आई एम ओवरवेल्म्ड अबाउट मैनी थिंग्स, घर छोड़ के जाना, मुल्क से दूर जाना, पैकिंग कैसे होगी, चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, देर आर सो मैनी थिंग्स इन माई प्लेट राइट नाउ विच आर नॉट रिजॉल्व येट, वो कैसे होंगी, सो दीज आर द थिंग्स। अच्छा जी, कलर्स के मुताबिक स्कीम्स मैच की हैं मैंने, एक बॉक्स में बना चुकी हूँ, दूसरे के लिए मेरे पास कुशन नहीं था, सो आई गॉट दिस लफाफा, एक बड़ा अच्छा सा, बड़ी फाइन क्वालिटी का, उसके अंदर आई एम एडिंग सम कॉटन, और मैं इसका एक अलग से खुद से कुशन बना रही हूँ टू पुट द वॉच नफीस तरीके से ऑन इट। अब मैं आपको अपनी पूरी पैकेजिंग भी दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये है जी हमारा गिफ्ट बैग, ये हमारा कैनवस, और ये हमारी वॉच,
जो हमने इस तरह से प्लेस कर दी है। और ये जी हमारी दोनों चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। इसी तरह से हम अपना दूसरा पैकेट भी पैक करेंगे। ये हमारी दूसरी वॉच आ चुकी है, ये इसकी लेट और ये इसके साथ मैचिंग की है। सो दिस इज़ हाउ आई एम पैकिंग। सो दैट्स द लेटेस्ट अपडेट फॉर नाउ। इफ यू वॉन्ट टू हैव सच ब्यूटिफुल कैनवासेस कॉन्टेक्ट मी। इफ यू वॉन्ट टू नो कि आप इस तरह के इकोनॉमिकल पैकेजेस कैसे बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट मी। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि ये घड़ियाँ कहाँ से कितने की ली हैं, तो यू कैन कॉमेंट मी। एंड अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, जो कि यकीनन अभी तक लग रहे होंगे, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकती हैं कि मैं मज़ीद क्या चीज़ें डालूं। आई नो मैं बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं कर रही हूँ, आई एम स्टिल वेरी शाई अबाउट मेनी थिंग्स। आई नो मेरा मोबाइल शेकी हो जाता है सम टाइम, आई नीड टू बाय सम मोर गैजेट्स फॉर दैट। सब कुछ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, होले होले। फिलहाल आई एम जस्ट लर्निंग, ये मेरा लर्निंग फेज चल रहा है। सो दैट्स दी अपडेट। बाय, मिलते हैं दोबारा।